अरे साहब वो नहीं डॉक्टर ही पुलिस के अड्डे चढ़ गए साहब। हम तो घबराए हुए थे कोई हमारा नंबर नहीं आ गया हो। क्या पोजीशन है फीमेल लॉकअप की, कहने लेकर जा सकते हैं? जी सर। ठीक है ले जाओ। चलिए मैडम पेशेंट अंदर है। तो सॉरी आपको बिन वजह ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, आइए मैं आपको पर्सनली ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू। कितना टाइम हो गया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? आप ठीक तो है ना? जी बिल्कुल, शुरू में डर गई थी। पुलिस वालों से लोग अक्सर डर जाते हैं, लेकिन हम लोग इतने बुरे भी नहीं होते। जानते हो, और आप तो बिल्कुल नहीं। वैसे मैंने नोट किया, जब हम दहेज की बात कर रहे थे तो गुस्सा आपके अंदर से फूट रहा था। सही कहा आपने, नफरत है मुझे इस दहेज शब्द से, और जो लोग दहेज की डिमांड करते हैं ना, मेरी नजर में वो किसी नापुंसक से कम नहीं होते। और इस दहेज ने ना जाने कितने परिवार बर्बाद किए हैं। ऐसा लगता है कि लोग लड़की ब्याह के नहीं बल्कि उसको खरीद कर लेकर आ रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग इतने मॉडर्न होने की बात करते हैं, इतने एडवांस होने की बात करते हैं, मगर सोच वही ऑर्थोडॉक्स बैकवर्ड। अरे आजकल तो लोग लड़की पैदा करने से भी डरते हैं। दिल में ये डर होता है ना कि ना जाने किस दिन उनको खुद को बेचना ना पड़ जाए इस दहेज के चक्कर में। रिलैक्स रिलैक्स, आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन इतने उत्तेजित मत होइए। वरना आपके लोग मुझे थाने लेके आए थे और मुझे आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सुना था अनारकली सलीम के सामने नाचता था, बराबर। पर इधर तो उल्टा ही कहानी बह रहा है। क्या हुआ? अरे अपना सलीम अनारकली के राइट लेफ्ट घूम रहा है। ओ ओ ओ, क्या करेगा बेचारा गुल, जब कैद में है बुलबुल। हमको तो लगा था ये उसकी याद में पगला जाएगा, फिर इसको अपने अस्पताल में रखना पड़ेगा, वो भी मेंटल वार्ड में। बिल्कुल सही कहा कुकु तूने, तेरी और उसकी खूब निभेगी। काहे? अरे वो भी मेंटर, तू भी मेंटर। वो तुझे दिन रात दवाई लिख लिख कर देगा और तू दिन रात उसे चाय पका पका कर पिलाता रहेगा। हंस लो पेट भर के हंस लो। सच्चाई पे दुनिया ऐसी हंसती है। मजनू का इतिहास याद है ना, उसके बाद हमारा इतिहास बनेगा। हम भी तुम्हारे प्रेम में पगला जाएंगे, पगला जाएंगे बिल्कुल। बन जा पंजाबी मेंटर, वो बैठा एक मेंटर, एक तू बन जा मेंटर। अरे अपना लाइफ एकदम स्ट्रेट है, कोई टेढ़ा मेढ़ापन नहीं है, समझा? वो डॉक्टर सारिका को देखा है, कैसी है उसकी लाइफ, टेढ़ी मेढ़ी, गई ना पुलिस स्टेशन, बात करता इधर। नहीं बहुत सही बोला। हाँ वहाँ पे है कैबिन। डॉक्टर राहुल क्या हो गया, कैसी शक्ल बना रखी है? अब मुझे क्या होगा, मेरी शक्ल वैसी ही है जैसे आप छोड़ के गई थी डॉक्टर सारिका। डॉक्टर राहुल आप लगता है इनको दिन में भी सपने देखने की आदत हो गई है। एक मिनट, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी अच्छी भरी जिंदगी में मैं बीच में अचानक कहां से चला आया? हाँ मतलब ना, लेकिन आपको कैसे पता इंस्पेक्टर साहब? पुलिस वाला हूँ, सूंघ लेता हूँ। एनीवेज डॉक्टर सारिका, सारिका सारिका डॉक्टर सारिका, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी हो प्रॉब्लम, प्लीज डू गेट इन टच विद मी। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, पुलिस वालों का नंबर हॉस्पिटल की डायरी में होता है, तो जरूरत पड़ी तो
कॉल कर लेंगे आपको हम। ये मेरा पर्सनल नंबर है। कोई नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। एनीवेज डॉक्टर सारिक, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। अच्छा लगा आपसे मिलके, रियली लाइक मीटिंग यू। अच्छा, आई रियली लाइक्ड, यहाँ तक बात पहुंच गई। उम्मीद है कि हम दोबारा फिर से मिलेंगे। अबे कोई जरूरत नहीं है, जाना भाई, क्यों पुकार रहे, जा पक। टेक केयर। श्योर, बाय 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 बाय। अब रियली अ नाइस मैन, रियली लाइक मीटिंग हिम। ये हम का तमाशा देख रहे हैं लीजा, हम तो समझे थे कि ये सरकारी मेहमान बनेगी, पर ये तो सरकारी मेहमान लेके आई है। कुकू देख तो, बहुत ऊंची चीज है ये औरत, पुलिस वाले से भी दोस्ती कर ली है। मैं ए, तू जरा बच के रहना, ये मुझे ठीक नहीं लगती, कहीं तू इसके लपेटे में मत आ जाना। हमको कम मत समझो, हम किसी से डरते नहीं है, बहुत ऊंची गोली है हम, तुम्हें भी पता लग जाएगा। बात करती है, बात करती है। ओके, नजर अपने रूम में फ्रेश होके आती हूँ। आपने बताया नहीं कि आपको पुलिस क्यों लेकर गई थी। इनकी कस्टडी में एक औरत ने अपने आप को घायल कर लिया था, उसी सिलसिले में लेके गए थे। मुझे लगा कुछ गंभीर बातें होंगी। आप कोई नहीं, अच्छा है, अंत भला तो सब भला है ना। सब कुछ ठीक नहीं है राहुल, इस शांत पानी के नीचे कितनी लहर है तुम क्या जानो। क्या सोच रही हो सावित्री? ऐसा लगता है कि एक युग बीत गया अपनी बच्ची को देखे हुए, कब से उसकी आवाज भी कानों में नहीं पड़ी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जी। देखो सावित्री, अगर वो अपने काम में इतनी व्यस्त है तो तुम्हें परेशान होने की बजाय तो खुश होना चाहिए। जरा सोचो, जब हमारी बच्ची डॉक्टर की यूनिफॉर्म में लोगों के बीच जाती होगी, उनका इलाज करती होगी, तो लोगों से उसको कितना मान सम्मान इज्जत मिलती होगी ना। ये सोचकर मेरा मन तो बहुत खुश होता है, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। खुशी तो मुझे भी बहुत है जी, लेकिन एक माँ का मन है ना, अपने बच्चों के लिए व्याकुल तो होगा ही। मुझे तो लगता है कि ये फोन ही खराब है महुआ, एक बार बजता ही नहीं। अब इस फोन पे अपना गुस्सा मत उतार देना। अरे थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा, उसके बाद फोन कर लेना। गुड मॉर्निंग सर, हमारा अगला कंसाइनमेंट डिलीवरी के लिए तैयार है जी। मैं अपने आदमियों को अभी बोल देता हूँ, ये पिछला पेमेंट है, गिन लेंगे आप? मेरे साथ कोई बेईमानी करे ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस दिन पैसे की गिनती कम हुई, उस दिन पैसे देने वाला सीधा ऊपर। जी, मैं समझ गया। मेरा बाप कहता था, जब 100 कमीने मरे थे तब मैं पैदा हुआ था, मुझसे कोई पंगा ना ही ले तो बेहतर, क्योंकि उसमें उसकी भलाई है। बिल्कुल सही कहते थे वो। सॉरी सच। अच्छा मैं चलता हूं, नमस्ते। किस सोच में डूबी हो अनुपमा? किस्मत हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दे रही है। जिस पुलिस से तुम भागा करती थी, वो पुलिस आज तुम्हारी दोस्त बन गई। डॉक्टर सारिका के रूप में तुम्हें एक नई पहचान मिल गई है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पाकर तुम अपने जीवन का असली मकसद भूल गई? तुम्हें याद है ना अनुपमा, तुम्हारे जीवन का असली मकसद है अपने माता पिता के कातिल को ढूंढना। याद है ना अनुपमा? मुझे अपने जीवन का मकसद
अच्छी तरह याद है, अच्छे से याद है मुझे कि मुझे मेरे माँ बाप के असली कातिल को ढूंढना है। और मैं ये भी नहीं भूली हूँ कि मैं अनुपमा हूँ, सारिका नहीं। मुझे चाहिए भी नहीं सारिका की पहचान। मैं यहाँ सिर्फ सारिका की मौत की खबर देने आई थी और वो देके मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन जाओगी कहाँ, ये सोचा है कभी? यहाँ से ज्यादा सुरक्षित तुम्हारे लिए कोई और जगह है अनुपमा? डॉक्टर सारिका के रूप में ना केवल तुम पुलिस से बच सकती हो, बल्कि यहाँ रह के समाज की सेवा कर सकती हो, जो तुम्हारा सपना था। यहाँ के लोगों की हालत देखी है तुमने? इन्हें तुम्हारी जरूरत है अनुपमा, उन्हें जरूरत है तुम्हारी। लेकिन झूठ कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन वो सामने आ जाएगा। मैं सारिका नहीं हूँ, तो फिर मैं इन सबको धोखा क्यों दूँ? धोखा तब होता अगर तुम सारिका के जिंदा रहते ये सब करती, पर ये सब तुम उसके मरने के बाद कर रहे हो। और वैसे भी ये सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद गलत नहीं है, तुम इन लोगों की मदद करना चाहती हो अनुपमा। यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है अनुपमा, फिर तुम क्यों जाना चाहती हो? तुम्हें कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन यहाँ रहना पड़ेगा। तुम्हें सारिका बनकर रहना पड़ेगा अनुपमा। तुम यहाँ अनुपमा नहीं, डॉक्टर सारिका हो। शायद भगवान की भी यही मर्जी है अनुपमा कि तुम अपनी मंजिल डॉक्टर सारिका बनके हासिल करो। यहाँ के लोगों को तुम्हारी जरूरत है अनुपमा, तुम्हें डॉक्टर सारिका बनके रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ रुकना पड़ेगा अनुपमा। तुम अनुपमा नहीं, डॉक्टर सारिका हो। तुम यहाँ डॉक्टर सारिका हो अनुपमा, डॉक्टर सारिका। तुम अब डॉक्टर सारिका हो, डॉक्टर सारिका अनुपमा, डॉक्टर सारिका हो। लेकिन क्या खराबी है मेरे नाम से जाने जाने में? अपने पराए का तमीज भूल गए हो का? पहली बार आए हैं का? हम अपना आधार कार्ड दिखाएं आप लोगों को। राबड़ा साहब का खास आदमी हूँ। आने दो, बात करते हैं। इस तरी बिगाड़ दिया सवेरे सवेरे, 20 रुपए का फटका दे दी है। देखो, राम राम जी। आओ आओ कुकू, कैसे हो? हम बहुत बढ़िया, कल जैसे ही है साहब। आप कैसे हैं साहब? माल कहाँ है कुकू? खाली हाथ दिख रहे हो? क्या तमाशा है साहब का? पहली बार धंधा कर रहे हो, धंधे का असूल का पता नहीं है? पहले एडवांस पैसा दे दीजिए। देखो, आपकी जेब से पैसा निकला, फिर यहाँ से हमारा माल निकला आपके गोडाउन में, सीधा तो हिसाब है। कुकू, माल का दाम हमने दे दिया है। हम मानते हैं आपने पैसा दिया है, पर पैसा हमारे आपको दिया है। रास्ते का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, महकमे का खर्चा, और सुनो हो, हमारे साहब बोल दिए हैं कि पहले अपना कमीशन ले लेना कुकू, उसके बाद धंधा करना, सीधा गणित है। पक्के खिलाड़ी हो कुकू, तरक्की करोगे तुम एक दिन। अरे अरे साहब, आप जैसे ईमानदार लोग का हाथ सर पे रहा ना हमारे, तो हम एक दिन शायद नेता भी बन जाए। क्या बोला? बताओ, बताते हैं साहब। तो मामला पेचीदा है, माल उठाओगे कब आप? क्यों, क्या हुआ? वो ऐसा है ना साहब, किसी किसी को ईमानदारी का कीड़ा काटे हुए होता है। आजकल हमारे अस्पताल में एक आई है जिसको बहुत भयंकर कीड़े ने काटा है ईमानदारी के। तो हमने कहा किया है, बहुत समझदारी से काम ले लिया है। कैंटीन के जो किचन है ना, उसमें सामान छुपा के रख दिया है हम, तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। मैं उठा लेता हूँ जल्दी से माल। अच्छा साहब, हम चलते हैं। अरे साहब, एक बात पूछें, आपका गोडाउन तो दवाइयों से भरा हुआ है, और ले देखिए आपके पास एक ही मेडिकल शॉप है और अस्पताल के बाहर जो है उसका कितना सेल होता होगा बताओ हमको, फिर भी आप माल पे माल ले जा रहे हैं, टक्कर क्या है? तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो अब? हाँ, पेड़ कहाँ गिनते हो? अब चलो, पूछ लिए हो तो बता देता। बता बता। तुम्हारी दुकान जो है ना, एक नहीं है, कई सारी दुकान है। कहाँ बात करते हैं? हाँ, और कुछ इस शहर में और कुछ इस शहर के बाहर। अब दवाइयाँ तो तुम्हें पता ही है, सब जगह भगवान करे बहुत लोग बीमार पड़े, आपकी दवाइयाँ बिक्री हो, हमारा कमीशन बढ़ता जाए। क्या धंधा है? बड़ा चालू पुर्जा आदमी है ये। बहुत बातें करता है साहब।
हेलो हेलो डॉक्टर सारिका जी, आप तुरंत हॉस्पिटल के कैंटीन में आ जाइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मगर आप बोल कौन रहे हैं? पर आप हेलो यहाँ भी कोई नहीं है, कैंटीन वाला भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ तो चक्कर है। बस आपके वेलकम की तैयारी। सॉरी डॉक्टर सारिका, ये आपके आते ही हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हुआ, सॉरी। ये सब कुछ डॉक्टर राहुल ने ही किया है और ये उन्हीं का आइडिया है मैम। और वो फोन कॉल? अरे भैया वो कॉल हमने ही किया था। I'm sorry अगर आपको डर लग गया हो तो। You're incredible, तुम्हें तो डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। सही कहा आपने, ये बहुत टर टर करते हैं, इनको डॉक्टर नहीं एक्टर होना चाहिए था। हम तो समझे थे हम जोक मारे हैं, हंसेंगे लोग। कुकू क्या बात करता है, तुम मक्खी तो मार नहीं पाता, जोक कैसे मारेगा, बात कर रहा है देखो ये। ओके शांत हो जाओ। अब ये केक डॉक्टर सारिका के हाथों कटेगा और ये मोमेंट यादगार बनेगा। यस यार, ये लीजिए, कटले आम हो जाए। काटिए डॉक्टर सारिका। मैं ना आज बहुत खुश हूँ, डॉक्टर बनने के बाद ना मैं पहली बार अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रही हूँ चितपुर के हॉस्पिटल में। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, उनका सपना जो पूरा हो गया। केक नहीं काट सकती, डॉक्टर सारिका आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं राहुल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तो काटिए ना केक, सब वेट कर रहे हैं। मैं ये केक नहीं काट सकती, सॉरी। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि मैं केक काटना डिजर्व नहीं करती, मैं इसके लायक नहीं हूँ। डॉक्टर सारिका, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अगर मुझसे या यहाँ पर जितने लोग हैं अगर किसी से भी कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। नथिंग लाइक दैट, इट्स ओके, प्लीज। सारिका एक सेकंड बात तो, सारिका एक मिनट बात तो सुनो। ईका कहते हैं बैड लक की नसीबी, हम सोचे थे पेट भर के केक खाएंगे पर अब तो दाल रोटी पे ही काम चलाना पड़ेगा। तू बस खाने के बारे में सोच मैन। क्या करें बताओ यार, ये सोचना कि मैडम कुछ अलग टाइप की नहीं है। सारिका और नहीं तो कौन यार, यहाँ सब खड़े हुए हम इधर केक खाने के लिए, बोलती अपन डिजर्व नहीं करता, मतलब क्या? मतलब साफ है ये पूरा केक हमारा है, अब ऐसा करते हैं इसको कोई छुपा के रख दो, शाम को दोनों आंखों में आंखें डाल के इससे बड़ा कैंडल जला के खाएंगे,
खाएंगे, बात करता है इधर। क्या करूं मैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल। सब मुझे सारिका ही समझते हैं और कितना मान सम्मान प्यार देने लगे हैं, लेकिन मैं इसकी हकदार बिल्कुल नहीं हूं। कैसे समझाऊं उन लोगों को, मैं इनका ये प्यार ये आदर स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं जो समझ कर ये मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। अगर मैं सब कुछ देख कर जान कर भी अनजान बनी रहती हूँ तो ये पाप होगा, मेरी आत्मा मुझे हमेशा कचोटती रहेगी। नहीं, मैं ये और नहीं कर सकती। ये देखिए, ये वही दवाइयां हैं ना जिसका कार्टन आप स्टोर रूम से ले जाके कैंटीन के किचन में रख के आए थे। अरे क्या इल्जाम लगा रही हैं हम पर? डॉक्टर सारिका झूठ क्यों बोलेंगी, अभी सच क्या है झूठ क्या है पता चल जाएगा। मैं खुद जाकर कैंटीन के किचन में चेक करूंगा, अगर वहां दवाओं का डब्बा निकला कुकू तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या सारिका? दवाइयां। लेकिन डॉक्टर सारिका यहां तो कुछ भी नहीं है। आसमां तो